दोस्तों सेल्फ डिफेंस का प्रयोग आप कब कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि पुलिस वाला आपको इस तरीके से मार रहा है जिससे कि आपकी जान तक जा सकती है, जिससे कि आपको गंभीर चोट पहुंच सकती है, तो क्या आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं? वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल में नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। दोस्तों टॉपिक है कि अगर आपको पुलिस वाला इस तरीके से मारता है जिससे कि आपको लगता है कि ये पुलिस वाला मेरे को जान से मार देगा, ये पुलिस वाला मेरे को इतनी गंभीर चोट पहुंचा सकता है जिससे कि मेरी जान तक जा सकती है, तो क्या आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं? क्या आप उस पुलिस वाले पर हाथ उठा सकते हैं? तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपको इस तरीके से मारता है जिससे कि आपकी जान तक जा सकती है तो आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मगर आपको एक बात समझना जरूरी है कि अगर पुलिस वाला आपको मारता है मगर आपको ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचती, तब भी आप पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठा सकते हो। मगर पुलिस वाले को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है अगर आपने कोई इल्लीगल एक्ट किया है या अगर आपने कोई इल्लीगल एक्ट नहीं किया, तो पुलिस वाले को आप पर हाथ उठाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मगर बात यहाँ पर आती है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस वाला आपको इस तरीके से मार रहा है जिससे कि आपकी आँख फूटने का डर होता है, आपका कान की सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, आपका हाथ टूटने का डर होता है, आपके सर पर गंभीर चोट पहुंच सकती है जिससे कि आपकी जान तक जा सकती है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। मगर आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस वाले के ऊपर आप हाथ बेवजह बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपकी जान तक जा सकती है और पुलिस वाले को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो आप पर हाथ उठाए। दोस्तों कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और आपने मास्क सही तरीके से नहीं पहना है और पुलिस वाला आपको पकड़ता है, आपको बोलता है कि आपने मास्क सही तरीके से क्यों नहीं पहना है, वो आप पे फाइन लगाता है और आप वो फाइन भर देते हैं। यहां तक तो हुई ये बात, ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मास्क सही तरीके से नहीं लगाया तो पुलिस वाले आप पर फाइन करेंगे और आपसे फाइन वसूलेंगे। मगर अब बात यहाँ पर आती है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस वाले ने बेवजह मुझ पर हाथ उठाया और गाली गलौज करते हैं, तो आप जाइए कंप्लेंट कीजिए, थाने में कंप्लेंट कीजिए। अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो आप कोर्ट से कंप्लेंट कीजिए, 156(3) के एप्लीकेशन लगवाइए अपने वकील से, ठीक है? तो आप ये काम कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन उठाया, उसके साथ वाला कोई पुलिस वाला है, आपने बोला कि इन भाई साहब ने भी है, इन जनाब ने भी जो है मास्क सही तरीके से नहीं लगाया है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई पुलिस वाले उनके पास तो पावर होती है, उनको गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा है, और वो आप पर हाथ उठाते हैं, आपको मारते हैं पीटते हैं। यहाँ तक तो ये बात, आपको मारते भी है पीटते हैं मगर आप उन पर हाथ बिल्कुल भी ना उठाएं, जब तक कि आपको ये ना लगे कि ये पुलिस वाला मेरे को इस तरीके से मार रहा है कि मेरी जान तक जा सकती है, ये तो मुझको खत्म कर देगा, तब आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करके उस पर भी हाथ उठाइए, अगर आपको लगता है तो आपकी जान जा सकती है। तो दोस्तों पुलिस वाले बेवजह किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकते, अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज करवा देनी चाहिए। अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो आप कोर्ट से FIR दर्ज करवाइए, तब कोर्ट को जब ये प्रूफ मिल जाएगा कि उस पुलिस वाले ने बेवजह इस व्यक्ति को मारा है, तो उस व्यक्ति की, उस पुलिस वाले की जो है नौकरी तक जा सकती है। और
आप 166 आईपीसी के तहत, 504, 503 आईपीसी के तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको पुलिस वाला इस तरीके से मारता है जिससे कि आपकी जान तक जा सकती है, तो आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके दांत, कान, नाक, आपका सर, आपका हाथ बहुत ही गंभीर चोट से जो है आपको बहुत ही गंभीर चोट लगने वाली है, तो आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों होप, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कब कर सकते हैं और पुलिस वालों को मारने का अधिकार है या नहीं है, आप पुलिस वाले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, आप FIR दर्ज कर सकते हैं, आप FIR दर्ज अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं तो आप कोर्ट से FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो होप, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। मिलते हैं बहुत ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक बहुत ही अच्छी लीगल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।